पिछोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नहीं मिला 3 माह से वेतन। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वेतन की समस्या को लेकर पिछोर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह को सौंपा ज्ञापन। मामला पिछोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। पिछोर के स्वास्थ्य केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर फजेल खान द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ा घोटाला किया था, जिसकी जाँच भोपाल स्तर से चली आ रही है। इस घोटाले की वजह से स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं दिया गया। सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एकजुट होकर पिछोर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह कग्गाजू के पास रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक केपी सिंह को ज्ञापन सौंपा है और वेतन डलवाने की मांग की है। महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 3 महीने से हम सभी लोग बहुत परेशान हैं। पैसे ना होने से हम अपने बच्चों की ट्यूशन की फीस नहीं दे पा रहे और घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। इसके बाद भी अगर हमारी वेतन नहीं डाली जाती है तो आगे हम आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। संवाददाता सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं रिंका लोधी हूँ। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग में आप? यस, मैं सीएचओ। अच्छा, आज अभी स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी विधायक केपी सिंह कक्काजू के पास आए थे, ज्ञापन दिया है, क्या मुख्य मांग है, क्या मामला है? जी सर, क्या है कि हम लोगों को है ना 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, कुछ आईडी लॉक वगैरह हो गई है, क्या हो गया है इस वजह से 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, बहुत परेशान हो रहे हैं सब लोग। वो मतलब घर खर्च भी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, तो ये सैलरी क्यों नहीं मिली, क्या कारण है 3 महीने से? ये हम लोग वहाँ मतलब बीएमओ सर को बोलते हैं तो वो कहते हैं आईडी भोपाल से होल्ड है, कुछ घोटाला वगैरह हो गया है हॉस्पिटल में, उस वजह से होल्ड पे है आईडी, ये बोल देते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी समस्या आ रही है? बहुत समस्या आ रही है सर, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, घर का खर्च नहीं चला पा रहे, इसलिए आज विधायक जी के पास आए थे। काहे के लिए? सर, ये निराकरण करवाएं ज्ञापन। हाँ, सैलरी ज्ञापन देने आए हैं कि समस्या का निराकरण हो कुछ।